सीएम अशोक गहलोत का आज बारा दौरा है और बारा के झबड़ा में 5 और 6 इकाई का गहलोत करेंगे लोकार्पण। सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना का यहां पर लोकार्पण करेंगे। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कार्यक्रम में की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही मंत्री प्रमोद जैन भाया होंगे विशिष्ट अतिथि। सीएम अशोक गहलोत सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना होंगे और सुबह 11:05 पर पहुंचेंगे कवाई के हवाई रनवे पर और सुबह 11:20 पर यानी कि कवाई से झबड़ा थर्मल के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। 12 बजे झबड़ा थर्मल हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम अशोक गहलोत। दोपहर 1:30 कवाई के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 2:15 पर यहां पर कवाई से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दोनों स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। तो 12 की छबड़ा में 5 और 6 इकाई का यहां पर लोकार्पण करेंगे सीएम अशोक गहलोत और सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना का यहां लोकार्पण करेंगे सीएम अशोक गहलोत और साथ ही ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो मंत्री प्रमोद जैन भाया होंगे इसके विशिष्ट अतिथि। साथ ही सीएम अशोक गहलोत सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना होंगे और सुबह 11:05 पर पहुंचेंगे कवाई के हाईवे रनवे पर। 11:20 पर कवाई से छपड़ा थर्मल के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। वहीं 12 बजे की बात करें तो 12 बजे सीएम अशोक गहलोत यहां पर छपड़ा थर्मल हेलीपैड पर उतरेंगे। दोपहर 1:30 कवाई के लिए वापस रवाना होंगे। दोपहर 2:15 पर दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए दोनों स्थानों पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत का आज पूरे दिन का कार्यक्रम है उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री का 10:30 जयपुर से रवाना होने का कार्यक्रम था छबड़ा जाने का, लेकिन छबड़ा में जो सूचना मिली है कि बारिश का मौसम है, ऐसे में रवानगी में कुछ देरी हो सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री अपने आवास पे मौजूद है, वहां पे जब रवाना होंगे तो छबड़ा में जो कह सकते हैं कि वहाँ विमोचन का जो कार्यक्रम है उसके बाद सबसे अहम जो है चार वो ये कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाएंगे। पहले 2 दिन से लगातार उनका कार्यक्रम बन रहा था लेकिन उसके बाद स्थगित होता गया, लेकिन अब तय हो गया कि आज दोपहर में वो दिल्ली जाएंगे जहाँ पे कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनसे उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, जिस तरह से राहुल गांधी को लेके अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, कांग्रेस के कई नेता जो है वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, इन सब घटनाक्रम को देखते हुए ये लगता है कि अगले 1-2 दिन जो है वो कांग्रेस में काफी अहम है। खासकर राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजनीति को लेकर भी अगले 1-2 दिन काफी अहम है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है वो 3 दिन से दिल्ली में ही है और अब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच जाएंगे और संभावना इस बात की है कि कल उनका राहुल गांधी से मिलने का कार्यक्रम है। कल मुख्यमंत्री है, उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है और उसके बाद ही ये पूरे जो राजनीतिक जो गतिविधियां जो घटनाक्रम है उनका पटाक्षेप हो सकता है। लेकिन फिलहाल सुबह बात करें निवास पे तो कांग्रेस के कई नेताओं से भी मिले हैं और इसके अलावा गर्ग जो पूर्व डीजीपी है जी आज एक रिटायर हो गया जी। नरेश, आप इस खबर पे नजर बनाए रखिएगा और भी।